इस वीडियो में हम पावर बीआई के अंदर डेटा कहां से ला सकते हैं और कैसे ला सकते हैं वो समझने वाले। पहले पावर बीआई क्या है, ये बहुत ही पावरफुल और फ्री टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। ये इंस्टॉल करने के लिए powerbi.microsoft.com पे जाइए, लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के लिए कंपनी का ईमेल आईडी चाहिए, हॉटमेल जीमेल आईडी नहीं चलता। लॉगिन होने के बाद Power BI डेस्कटॉप डाउनलोड बटन क्लिक करना, फिर वो विंडोज स्टोर में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। Power BI के दो हिस्से होते हैं, काम करने के लिए डेस्कटॉप वर्जन जो हमने अभी इंस्टॉल करने की बात की, और डैशबोर्ड बनने के बाद वो वेब पे अपलोड करते हैं जिसको Power BI सर्विस बोलते हैं। Power BI एक यूज करने का तरीका होता है, थोड़ा बहुत एक्सेल जैसा ही है, लेकिन समझने के लिए इतने स्टेप्स होते हैं। पहले डेटा ढूंढना पड़ता है, लाना पड़ता है अंदर, डेटा क्लीन अप करना पड़ता है, फाइनली उससे रिपोर्ट बनता है एंड देन वो शेयर होता है। जो ये सब रिपोर्ट बनता है वो फाइल जो बनता है Power BI डेस्कटॉप में, उसका एक्सटेंशन .pbix होता है। तो ये प्रोसेस हम सिर्फ इस वीडियो में नहीं, आगे वाले काफ़ी वीडियोज़ में समझने वाले हैं डिटेल में। इस वीडियो में सिर्फ डेटा को कनेक्ट कैसे करना है और इंपोर्ट कैसे करना है वो देखने वाले। क्विकली बताता हूँ कि स्टेप कैसे होते हैं। समझो ये डेटा एक्सेल में है, एक टेबल में है, ये टेबल का नाम इधर है ट्रांजैक्शंस बोल के, ठीक है। वो डेटा जब पावर बीआई में लेने का कोशिश करते हैं तो वो दिखाता है कि इतना डेटा है, इसमें कौन सा चाहिए, तो मैं वो ट्रांजैक्शन टेबल उठा लिया, ठीक है। और फिर पावर बीआई के अंदर ऐसा डैशबोर्ड बनता है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये वो डैशबोर्ड है, ये लाइव है, सो इसमें जहाँ भी क्लिक करो वो फिल्टर बन जाता है। सो अभी सिल्वर फिल्टर हो गया, बाकी सब चीज़ उसकी वजह से फिल्टर हो गए। अभी मुझे देखना है लोग फूड पे कितना स्पेंड कर रहे हैं खाने पे, तो फूड पे क्लिक करेंगे तो अभी ये फिल्टर हो गया, बाकी सब उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। हमको देखना है उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, उस पर क्लिक करो, अभी उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन सब जगह पे दिखा रहा है। ऐसे बनता है रिपोर्ट्स। एक्सेल में ऐसा चीज़ करने पॉसिबल ही नहीं है और बहुत मेहनत लगेगी। डेटा सोर्स कैसे चूज करते हैं, Power BI डेस्कटॉप में गेट डेटा बटन दबाने से बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। अगर वेबसाइट पे डायरेक्टली गए Power BI सर्विस पे, उधर भी गेट डेटा है, उधर थोड़े अलग ऑप्शन आते हैं बट जनरली सेम है। अब Power BI डेस्कटॉप में जब डेटा आएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो उसके अंदर ही PBIX फाइल के अंदर स्टोर होता है, और जब हम रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो रिपोर्ट के साथ डेटा भी सर्वर पे चला जाता है। दूसरा तरीका होता है कि अगर डेटाबेस है जिसमें अपना एप्लीकेशन चल रहा है उसको डायरेक्ट लिंक करे, डेटा इंपोर्ट ना करे, वो भी चलता है, उसको ऑनलाइन बोलते हैं या डायरेक्ट क्वेरी बोलते हैं। अगर वो डेटाबेस आपके सर्वर पे है और सर्वर आपका आपके ऑफिस में है, क्लाउड पे नहीं है, तो क्या करने का, उसके लिए एक डेटा गेटवे बोल के चीज़ है, वो यूज़ करके उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं लाइव। और लाइव लिंक अगर होगा तो डेटा तो चेंज होने वाला है, क्योंकि अपना सिस्टम चल रहा है रोज़, उसमें डेटा एंट्री हो रही है, लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसको रिफ्रेश भी ऑटोमेटिक करा सकते हैं। बोलने का रोज़ 8:30 बजे रात को रिफ्रेश कर दो, तो रिपोर्ट रिफ्रेश हाथ से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, टाइम बचा और एफिशिएंट हो गया। सो डेटा जब Power BI डेस्कटॉप में अंदर आता है कहाँ जाता है, उसको एक डेटा टैब होता है, उसमें पूरा डेटा दिखेगा। तीन टैब होते हैं वैसे, ये डेटा टैब है, इधर जहाँ रिपोर्ट जो बनाया वो डैशबोर्ड यहाँ बनता है, और एक रिलेशनशिप बोल के वो बाद में देखेंगे। नाउ कुछ टाइप ऑफ डेटा में लॉगिन करना पड़ता है। अभी CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है, उसको तो लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेटाबेस होता है, वेबसाइट होती है, उसको शायद लॉगिन की ज़रूरत पड़े, तो Power BI को सभी तरीके का लॉगिन समझता है। इसके डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में आराम से देखेंगे। अगर आपको यूज़र नेम पासवर्ड ज़रूरी है
तो इसमें से सही तरीका चूज करके वो यूजर नेम पासवर्ड पहली बार डालो, फिर पावर बीआई याद रखेगा। सो देखते हैं अभी कौन से जगह से फाइल या डेटा हम पावर बीआई के अंदर खींच सकते हैं। तो ये है बहुत कॉमन एक्सेल और टेक्स्ट सीएसवी, लेकिन कभी कभी क्या होता है 40 सीएसवी फाइल है वो एक फोल्डर में पड़ी है, हमको हाथ से हर एक फाइल खोल के कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, उसकी अभी टोटली ज़रूरत नहीं है। फोल्डर बोलो और फोल्डर में जाके वो अपने आप वो कंसोलिडेशन कर देगा। और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ पावर बी आई देता है जो मेरे हिसाब से दूसरा कोई नहीं देता, कि पीडीएफ फाइल से अगर टेबुलर डेटा है कॉपी पेस्ट करना है उसको एनालाइज करना है। कॉपी पेस्ट एक्सेल में चलता नहीं है, पीडीएफ से बहुत मेहनत करना पड़ता है क्लीनिंग के लिए, वो सब ऑटोमेटिक इधर हो जाएगा। दूसरा होता है डेटाबेस, एक्सेस कॉमनली यूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल, लेकिन बहुत सारे टाइप के डेटाबेस इधर यूज हो सकते हैं। ये लंबा लिस्ट है, मैं उसके अंदर पूरा नहीं जाऊंगा। बहुत सारे कस्टमर ईआरपी यूज करते हैं, एसएपी सैप, उसका भी डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ये सब कनेक्शन फ्री है, कोई टेंशन नहीं। अगर आपने ऑलरेडी पावर बीआई यूज किया है और कोई डेटा लेके रिपोर्ट बना दिया है, उसी डेटा को यूज करके और एक रिपोर्ट बनाना है तो वो भी हो सकता है। अगर आप डायनामिक्स यूज कर रहे हो जो माइक्रोसॉफ्ट का ईआरपी और सीआरएम है, तो उसका डेटा कॉमन डेटा सर्विस में रहता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो सब क्लाउड पे डेटा रहता है उसको एज्योर बोलते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं उसमें, सबको कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो सकता है। बट सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट डेटा है ऐसा नहीं, इसमें देखो सेल्सफोर्स है, गूगल है, अडोब है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा सोर्सेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये छोड़ के और भी एक बहुत स्पेशल चीज है कॉल्ड अदर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से वेब है। हम बहुत बार वेब पेज पे जाते हैं, उधर टेबल होता है, वो हमको चाहिए, उसको एनालाइज करना है डेटा को, वो चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही आसान तरीके से पावर बीआई करके देता है, हमको हाथ से कॉपी पेस्ट क्लीन अप कुछ नहीं करना। सो जब हम कोई डेटा को कनेक्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे डेटा के पीसेस हो सकते हैं, जैसे कि ये एक्सेल फाइल में 3-4 अलग अलग चीज़ें हैं, शीट्स भी दिखा रहा है और टेबल्स भी दिखा रहा है। एक्सेल में टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, उससे डेटा जो अंदर आता है काफ़ी साफ सुथरा आता है। अगर वेब पेज हो, कोई वेब पेज पे 40 टेबल भी हो सकते हैं, तो वो दिखा रहा है कौन सा चाहिए। वैसे पीडीएफ में अभी इधर देखो पेज 8 पे 2 टेबल्स है, कौन सा चाहिए, क्लिक करेंगे तो उसका डेटा दिखाएगा, जो चाहिए ले लो, अगर मल्टीपल चाहिए मल्टीपल भी ले सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, अब ये देखो ये प्ले स्टोर है, इसमें तो टेबल जैसा कुछ है नहीं, रोज नहीं है, कॉलम नहीं है, हर एक का ऐसा थंबनेल टाइप है, उसमें नाम है, ऑथर का नाम है, पैसा है, डिस्काउंट का पैसा है, कोई टेंशन नहीं। ये भी समझता है पावर बीआई को, वही हाथ से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली ये डेटा आपको टेबल जैसा मिलेगा। इससे बहुत सारा टाइम सेव होता है और एक्यूरेसी बढ़ता है। समझो कोई चीज़ का डेटा हमको डालना है डायरेक्टली, कुछ है नहीं डेटा सोर्स मेरे मन में है, और वो डेटा ज़्यादा चेंज नहीं होता है, अगर ज़्यादा चेंज होता है तो कोई सीएसवी फाइल में डालो, एक्सेल में डालो और कनेक्ट करो, तो बाद में रिफ्रेश कर सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं चेंज हो रहा है, एक बार डाल देना है तो टेंशन नहीं। क्रिएट टेबल बोल के पावर बीआई में ही आता है, उसमें डायरेक्टली डेटा डालो या कहीं से कॉपी पेस्ट भी करो, वो भी चलता है। अभी डेटा तो आ गया लेकिन इमीडिएटली एनालाइज नहीं कर सकते, क्या होता है डेटा आता है जो चाहिए वो है, लेकिन जो नहीं चाहिए वो भी है, डुप्लीकेट्स है, एरर्स है, नंबर बराबर नहीं है, नंबर को टेक्स्ट जैसा हो रहा है, डेट का फॉर्मेट गलत है, बहुत सारी गंदगी हो सकती है। इस चीज़ को क्लीन अप करना पड़ेगा ना, वो हम हाथ से करते थे पहले, पाँव से करते थे, मैक्रो लिखते थे, फॉर्मूला लिखते थे, अभी वो बहुत ही सिंपल हो गया। इसमें पावर बीआई में अगर डेटा क्लीन है तो लोड बोलना है, अगर क्लीन करना है तो ट्रांसफॉर्म बोलना है, ट्रांसफॉर्म मीन्स गंदगी निकालो। सो वो करने से क्या होता है वो अगली बार देखेंगे, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि पावर बीआई बहुत ही पावरफुल क्लीनअप जगह है,
कोई प्रोग्रामिंग नहीं, हाथ से काम नहीं करना है, फटाफट हो जाता है। जो भी डेटा सोर्स हमने देखे है वो सब फ्री है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे अगर डेटा का ही प्रोवाइडर है कोई तो शायद कभी कभी पैसे लेते हैं, लेकिन जो भी मैंने बताया है ज्यादा करके फ्री है। तो अभी तक हमने क्या देखा, बहुत सारे टाइप के डेटा सोर्सेस को कनेक्ट कैसे करना है। अभी अगले वीडियो सीरीज में देखेंगे कि डेटा को क्लीन अप कैसे करना है। नाउ डेटा क्लीन अप तो छोटा सा बोलने की बात है, उसको क्लीन करो, लेकिन क्लीन अप में बहुत सारा मगजमारी होता है। सो एक वीडियो में नहीं होगा, काफी वीडियो लगेंगे, लेकिन हर वीडियो से आपको फायदा होगा। सो ये चीज अभी आगे चलती रहेगी, हम और वीडियो बनाते रहेंगे और आप आते रहेंगे। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन, ये मैं करता हूँ, 30 बरस से कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन आईटी में हूँ। यही चीज मैं काफी दिनों से काफी कस्टमर्स के लिए अलग अलग कंट्री में जाके करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑफकोर्स क्या करना है मालूम है, लाइक करो, बेल आइकॉन दबाओ, दोस्तों को बताओ, सबका जिंदगी सुधारो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, अगली बार फिर मिलेंगे।